जी बच्चों, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम, यस मैम। जी, प्रीवियस लेक्चर्स आपने देखे हैं, उसमें किसी बच्चे की कोई क्वेश्चन या क्वेरी है? लेक्चर नंबर 1 या 2 में से किसी का कोई क्वेश्चन? फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन्स विजिबल हैं? यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम। आज हमने पढ़ना है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड थेरेपी जो होती है, अल्ट्रासाउंड की वेव्स की उनकी प्रोडक्शन कैसे होती है, उनकी नेचर क्या होती है, अल्ट्रासाउंड थेरेप्यूटिकली कैसे हम करते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या यूज करते हैं, उसकी वेव्स की प्रॉपर्टीज और प्रोटेक्शन और ट्रांसमिशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रा वर्ड जो है उसका मतलब होता है बियॉन्ड या एक्सट्रीम, और साउंड जो होता है, साउंड इज डिफाइंड एज द पीरियोडिक मैकेनिकल डिस्टर्बेंस ऑफ एन इलास्टिक मीडियम सच एज एन एयर। कि एयर जो है उसमें हम एक मैकेनिकल डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर देते हैं। एयर है या कोई भी मीडियम है, चाहे वो सॉलिड मीडियम है, एयर अब एक आपका गैशियस मीडियम है, कोई सॉलिड मीडियम है, कोई लिक्विड मीडियम है, एक साउंड वेव्स को हमेशा एक मीडियम चाहिए फॉर देयर प्रोडक्शन, फॉर देयर ट्रैवलिंग। विदाउट अ प्रॉपर मीडियम, वैक्यूम के अंदर साउंड ट्रैवल नहीं करता। अल्ट्रासाउंड रेफर्स टू द मैकेनिकल वाइब्रेशंस व्हिच आर एसेंशियली द सेम एज साउंड वेव्स बट ऑफ अ हायर फ्रीक्वेंसी। बेसिकली अल्ट्रासाउंड साउंड वेव्स ही होती हैं, लेकिन बिकॉज द वर्ड अल्ट्रा इज यूज, जिसका मतलब वैसे ही एक्सट्रीम होता है, तो ये बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड होता है जो ह्यूमन हेयर डिटेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, और ये और बहुत ज़्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। सच वेव्स आर बियॉन्ड द रेंज ऑफ ह्यूमन हेयरिंग एंड आर कॉल्ड एज अल्ट्रासोनिक वेव्स। इट इज़ अ मोडालिटी और अ मशीन दैट इज यूज फॉर अ नंबर ऑफ पर्पजेज। अब अल्ट्रासाउंड जो है वो डायग्नोस्टिक पर्पजेज के लिए भी अल्ट्रासाउंड होता है, जो अमूमन मेडिकली ज़्यादा यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डायग्नोस्टिक पर्पजेज, किसी को गॉल स्टोन हैं, किसी के लिवर का अल्ट्रासाउंड हो रहा है, किसी के एबडोमिन का हो रहा है, ठीक है, मतलब और आपकी किडनीज का हो रहा है, ये सारे डायग्नोस्टिक पर्पजेज के लिए, कहीं कोई स्टोन तो नहीं, उसका टेक्सचर कैसा है, आपके अंदर विसरल ऑर्गन्स का, ठीक है, इस पर्पज के लिए। फिर सेकेंडली प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड किया जाता है, वो भी काफ़ी सारी चीज़ों की डायग्नोसिस के लिए, कि कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, क्या स्टेज है, क्या प्रोग्रेस है गेस्टेशन पीरियड के अंदर, और डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यूज के लिए और थेरेप्यूटिक पर्पजेज ट्रीटमेंट के लिए भी। ठीक है, नॉट स्ट्रिक्टली इलेक्ट्रोथेरेपी मोडेलिटी। अल्ट्रासाउंड जो है वो स्ट्रिक्टली इलेक्ट्रोथेरेपिक मोडेलिटी नहीं है, इसके मेडिकली और भी बहुत सारी यूजेज हैं।
एज इट इज अ मैकेनिकल वाइब्रेशन ऑल्दो प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिकली. अब ये है क्या, ये है मैकेनिकल वाइब्रेशन. क्यों? क्योंकि साउंड है. साउंड इज अ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल वाइब्रेशन है. ठीक है, साउंड एनर्जी जो आपकी है. लेकिन ये प्रोड्यूस किस तरह हो रहा है? अल्ट्रासाउंड इलेक्ट्रिकली. ये इस तरह का अपरेटस होता है. ठीक है, ये इसके डिवाइस है और साथ उसके ये एक सेटअप है उसका, और ये साथ उसका प्रोब है. ठीक है, इसको कहते हैं कि अल्ट्रासोनिक प्रोब या हेड, कुछ भी आप कह सकते हो. फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या है? ह्यूमन ईयर कैन डिटेक्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 20,000 साइकल्स पर सेकेंड. यानी कि 20 से 20,000 हर्ट्स, क्योंकि साइकल्स पर सेकेंड किसके इक्वल होता है? हर्ट्स के इक्वल होता है. ये ह्यूमन ईयर की फ्रीक्वेंसी. अब इससे ज़्यादा हायर फ्रीक्वेंसी, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी, या फिर 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी ह्यूमन ईयर जो है वो डिटेक्ट नहीं कर सकता, नहीं सुन सकता. तो अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा हायर फ्रीक्वेंसी की होती हैं, जो ह्यूमन ईयर डिटेक्ट नहीं कर सकता. 0.5 to 5 मेगा हर्ट्ज इज यूज फॉर मेडिकल पर्पजेज. वेव्स विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज इज वेरी वाइडली यूज्ड. मेडिकल पर्पजेज में 0.5 से 5 मेगाहर्ट्ज तक यूज करते हैं, और 1 और 3 मेगाहर्ट्ज जो है वो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होता है. ठीक है, ऑल्दो देयर आर अपैरेटसेस दैट आर सेट एट 3 मेगाहर्ट्ज, अल्ट्रासाउंड एनर्जी एट 1 मेगाहर्ट्ज इज ट्रांसमिटेड थ्रू सुपरफिशियल टिश्यूज एंड अब्सॉर्बड एट डीपर टिश्यूज 3 to 5 सेंटीमीटर. अल्ट्रासाउंड जो है बेसिकली आपकी डीप टिश्यूज तक जाती है. ठीक है, डीप हीटिंग तो नहीं, लेकिन एक डीप मोडालिटी है, डीपर जाती है टिश्यूज तक. ठीक है, 1 मेगाहर्ट्ज का जो अल्ट्रासाउंड होता है, जिसकी फ्रिक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज पर सेट किया, वो ज़्यादा डीप जाता है रादर देन 3 मेगाहर्ट्ज. 3 मेगाहर्ट्ज वाला थोड़ा सुपरफिशियल रहता है, वो 1 to 2 सेंटीमीटर की डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन होती है उसकी. नेचर ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स कैसी होती है, अब देखते हैं. साउंड वेव्स होती हैं, तो साउंड वेव्स वाली नेचर है कि साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन मैटर एंड कंसिस्ट ऑफ टू एंड फ्रो मोशंस ऑफ पार्टिकल्स इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग. दे रिक्वायर अ मटीरियल मीडियम टू ट्रैवल व्हिच हैज इलास्टिसिटी इन ऑर्डर दैट द पार्टिकल्स शैल रेजिस्ट डिफॉर्मेशन एंड देन रिबाउंड टू मेंटेन द टू एंड फ्रो मूवमेंट. फर्स्टली के साउंड वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी होती है साउंड वेव्स की कि वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, टू एंड फ्रो मोशन के साथ ट्रैवल करती हैं, और इनको कोई ना कोई मटेरियल मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, ताकि ये जो है अपनी पार्टिकल्स अपनी एनर्जी लूज करते हैं फिर उस मीडियम में. ठीक है, और वहाँ पे डिफॉर्मेशन को रिजिस्ट करते हैं, रीबाउंड करते हैं, ताकि टू एंड फ्रो मूव कर सकें, ये आपस में वाइब्रेट करते हैं. ये सारी प्रॉपर्टीज, ये सारी करेक्टरिस्टिक्स फुलफिल करने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है. ये अब एक टिपिकल साउंड वेव होती है, इसमें कंप्रेशन की एक हाफ सर्कल होता है, हाफ इसका सर्कल रिफ्रैक्शन का होता है. ठीक है, तो ये कम्प्लीट एक अब ये एक वेव ट्रैवल की है, और फ्रॉम वन कंप्रेशन टू द नेक्स्ट कंप्रेशन जो एक डिस्टेंस होता है उसको आप कहते हो वेवलेंथ. ठीक है, कंप्रेशन और रिफ्रेक्शन. कंप्रेशन वहाँ पे होती है जहाँ पे आपके जो पार्टिकल्स हैं जो वो हैं वो बहुत क्लोज आ जाते हैं, और रिफ्रेक्शन कहाँ पे होती है, जहाँ पे आपके पार्टिकल्स जो हैं वो फार अपार्ट हो जाते हैं. मैम कंप्रेशन का बता दे दोबारा. बेटा जहाँ पे पार्टिकल्स आपके साउंड के जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोज होते हैं, देखें क्लोज है यहाँ पे आपके पार्टिकल्स जो हैं वो फार अपार्ट हैं. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स क्या है? एज साउंड वेव इज पास थ्रू एनी मटेरियल देयर एनर्जी इज डिसिपेटेड. मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. अब आवाज ठीक है? Yes, ma'am. अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स अब हम देख लेते हैं कि एज साउंड वेव इज पास थ्रू एनी मटेरियल देयर एनर्जी इज डिसिपेटेड.
साउंड वेव जो है वो जब भी किसी मटेरियल से पास करती है तो वो कहीं ना कहीं वो डिसिपेट हो रही है, एनर्जी है, एनर्जी डिसिपेट होती है किसी कोई भी टाइप की एनर्जी हो तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसने डिसिपेट हो जाना होता है। अब हमारी साउंड वेव अगर मैं यहाँ पे बैठ के बोल रही हूँ, ये साउंड वेव आपके जो है आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रैवल करेगी और आहिस्ता आहिस्ता ये स्लो होती जाएगी और डिसिपेट हो जाएगी। समटाइम्स ऑल एनर्जी इज एब्जॉर्ब एट वंस और इट विल पास विद ऑलमोस्ट नो लॉस। ये डिफरेंट इन्होंने बताए हुए हैं कि बाजों का ऐसा भी होता है कि सारी की सारी एनर्जी जो है वो एट वंस एब्जॉर्ब हो जाती है कि कोई ऐसा मीडियम होता है, कोई ऐसे मीडियम होते हैं जिसमें एनर्जी का लॉस बिल्कुल नहीं हो रहा और वो विदाउट लॉस पास कर रही है। वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज द स्पीड एट विच द वेव मूव्स थ्रू द मीडियम। वेलोसिटी क्या होती है? ऑब्वियसली स्पीड होती है जिससे वो किसी भी मीडियम से मूव करती है मीडियम में। इट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल नेचर ऑफ द मीडियम और ये मीडियम टू मीडियम वेरी करती है। साउंड वेव्स के केस में बच्चों मीडियम की जो है ना बहुत इंपॉर्टेंस होती है कि क्या मीडियम है। अब जैसा मीडियम होता है वैसे ही साउंड वेव्स की वेलोसिटी चेंज करती रहती है, ठीक है, कि उन्होंने फास्ट ट्रैवल करना है या स्लो ट्रैवल करना है ये डिपेंड्स ऑन मीडियम अलॉट। इट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल नेचर ऑफ मीडियम। साउंड वेव्स विल पास मोर रैपिडली थ्रू मटीरियल इन विच मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टुगेदर। जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजर होते हैं, ठीक है, एक ऐसा मीडियम है जिसमें पार्टिकल्स क्लोज होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्लोज होते हैं और साउंड की स्पीड वहां पे बहुत रैपिड होती है। फिर लिक्विड में आओ तो उससे कम हो जाती है और फिर गैसेज में आओ तो उससे कम हो जाती है क्योंकि मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी कह लें या मॉलिक्यूल्स जो है वो फार अपार्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। गैसेज में तो बहुत फार फार मॉलिक्यूल्स होते हैं इसीलिए स्पीड ऑफ साउंड जो है दैट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू सॉलिड। ट्रांसमिशन बाय डिफरेंट मीडिया। फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी पर्टिकुलर वेव इज कॉन्स्टेंट बट वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू द मीडिया दे आर ट्रैवलिंग। जिस फ्रीक्वेंसी पे हमने सेटअप उसका अपने अपरेटस का रखा है 1 MHz है, 3 MHz है, वो फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहेगी लेकिन डिपेंड किस चीज पे करता है? अब मीडियम मीडियम पे डिपेंड कर रहा है कि स्पीड क्या होगी। स्पीड वेरी करती है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है जो हम सेट कर देते हैं। ग्रेटर इन वाटर देन इन गैसेस। वही बात है कि वेलोसिटी वाटर क्योंकि लिक्विड है उसमें ज्यादा होगी रादर देन द गैसेस। अब ट्रांसमिशन इन डिफरेंट मीडियम क्या है? एयर में है स्पीड इसकी वो साउंड की 344 मीटर पर सेकेंड। वाटर में स्पीड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई 1410 मीटर पर सेकेंड। मसल्स में फिर उससे ज़्यादा क्योंकि फिर सॉलिड आ जाते हैं और बोन क्योंकि बहुत क्लोजली स्पेस्ड स्ट्रक्चर है, डेंस स्ट्रक्चर है तो उसमें स्पीड और भी ज़्यादा हो गई है 3500 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, अब इसका प्रिंसिपल क्या है प्रोडक्शन ऑफ वेव्स का? कि साउंड एंड अल्ट्रासाउंड वेव्स बोथ आर प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ मैटर। इट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ क्रिस्टल क्वार्ट्ज और सम सिमिलर मटेरियल। अब अल्ट्रासाउंड के अंदर तो ये मीन्स होते हैं कि हम इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस करेंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स। किस तरह? अब कोई ना कोई मटीरियल, कोई ना कोई मैटर तो हमें चाहिए जिसकी वाइब्रेशन से आखिर साउंड वेव्स प्रोड्यूस होनी है, तो वो मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं वो क्रिस्टल क्वार्ट्स होता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस इज सेट अप ऑन द क्वार्ट्स व्हिच कॉजेज डिस्टॉर्शन ऑफ द क्रिस्टल फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ चेंजेस इन शेप। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है क्वार्ट्स के मटेरियल में, उसके बाद क्रिस्टल के अंदर डिस्टॉर्शन होती है, उसकी मूवमेंट होती है और फिर चेंजेस आते हैं उसकी शेप में, मटीरियल की शेप में। प्रोडक्शन ऑफ वेव इट इज द ऑसिलेशन ऑफ द क्रिस्टल दैट सेट्स द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इन मोशन एंड प्रोड्यूसेस द अल्ट्रासोनिक वेव्स। क्रिस्टल जो है उसमें ऑसिलेशन होंगी, ठीक है, और इसी तरह आपकी मैटर में के पार्टिकल जो है वो मूव करते हैं और अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। जनरेटर। अ हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वॉल्व जनरेटर एंड कन्वेड बाय अ कोएक्सियल केबल टू द ट्रांसडक्टर। अब एक हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेट करंट जो है वो वॉल्व जनरेटर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, और वो एक केबल के थ्रू ट्रांसड्यूसर में जा रहा है। आपने एक एसी की, एसी मींस अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट की एक सोर्स से आपने अपने अपरेटस कनेक्ट कर दिया, आपने वो करंट ऑन किया है। आप ऑन करोगे अपने अपरेटस को एक फ्रीक्वेंसी पे, आपने हाई फ्रीक्वेंसी पे सेट कर दिया है, ठीक है। अब वो एक केबल के थ्रू आपका करंट आपके अपरेटस तक आएगा
और वहां से वो एक हाई फ्रीक्वेंसी का अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो जनरेट होगा बाय अ वॉल्व, और वो फिर एक केबल के थ्रू आपके ट्रांसड्यूसर जो आपका प्रोब है जहाँ पे आपकी क्वार्ट्ज का क्रिस्टल होता है वहां तक ट्रैवल करता है. इनसाइड द ट्रांसड्यूसर करंट इज अप्लाइड टू द क्रिस्टल. अब ट्रांसड्यूसर के अंदर क्या होता है कि जो क्रिस्टल प्लेस्ड हुआ हुआ है उस वहां तक करंट जाता है, करंट वहां क्रिस्टल पे अप्लाई होता है, क्रिस्टल में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और उसकी मूवमेंट क्रिस्टल की स्टार्ट हो जाती है. अ मेटल डायफ्राम लाइज इन फ्रंट ऑफ द क्रिस्टल व्हिच इज मेड टू वाइब्रेट बाय ऑसिलेशंस ऑफ द क्रिस्टल. फॉर 1 MHz मशीन फ्रीक्वेंसी ऑफ 1,000,000 साइकल्स पर सेकेंड इज नीडेड. ये फ्रीक्वेंसी है 1 MHz है. 1 MHz का मतलब क्या होगा कि 1,000,000 साइकल्स पर सेकेंड. क्वार्ट्ज आप कौन से यूज कर सकते हैं? क्वार्ट्ज क्रिस्टल बेरियम टाइटेनेट के क्रिस्टल्स हो सकते हैं, लेड जिरकोनेट, ये केमिकल्स हैं जिनके क्रिस्टल्स हो सकते हैं. लेड जिरकोनेट के क्रिस्टल हो सकते हैं, निकल कोबाल्ट फेराइट के क्रिस्टल्स आप यूज कर सकते हो. प्रोडक्शन में दीज क्रिस्टल डिफॉर्म व्हेन सब्जेक्टेड टू अ वेरिंग पोटेंशियल डिफरेंस. अब डिफॉर्मेशन होगी, वो क्रिस्टल्स जो हैं उनकी मूवमेंट होती है, उनकी डिफॉर्मेशन होगी और वहां से आपकी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से और वहां से आपके साउंड की वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगी. वो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंसी होती है कि ह्यूमन एयर उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता. अब इस इफेक्ट को हम पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं. पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि बाय एप्लीकेशन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस द क्रिस्टल्स डिफॉर्म एंड साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस. ठीक है, कि इलेक्ट्रिकल मीन्स के थ्रू हमने साउंड वेव्स प्रोड्यूस की है, इसको कहते हैं पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. और वो क्रिस्टल यूज कर रहे हो उसको आप क्या हो गया, पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल. अभी आपका ट्रांसड्यूसर है, ठीक है, ये आपका प्रोब है. अब इसके अंदर यहाँ पे आपके क्रिस्टल्स प्लेस्ड हैं, ये आपका हेड है उसका साउंड हेड जिसे इन्होंने कह दिया यहाँ क्रिस्टल प्लेस्ड है. करंट ट्रैवल करके थ्रू द कोएक्सियल केबल यहाँ तक आएगा क्रिस्टल्स पे और क्रिस्टल्स पे जो है एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, वो अपना अपनी जो है शेप से डिफॉर्म करेंगे और साउंड वेव्स प्रोड्यूस होंगी. एनी चेंज इन द शेप ऑफ क्रिस्टल कॉजेज अ मूवमेंट ऑफ द मेटल फ्रंट प्लेट फ्रॉम द डायफ्राम या मेटल फ्रंट प्लेट. अभी इसको डायफ्राम या मेटल फ्रंट प्लेट कहते हैं इसको. ये जो स्टील का आगे ये है इसको मेटल फ्रंट प्लेट या डायफ्राम कहा हुआ है. अल्ट्रासाउंड वेव्स यहाँ से फिर मेटल फ्रंट प्लेट से एमिट होती हैं. ठीक है, अब ये इन्होंने दिखाया हुआ कि ये इस तरह है तो ये फिर क्रिस्टल की शेप में डिफॉर्मेशन आ रही है. जब यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, जीरो जीरो, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है और फिर वो ऑपोजिट भी होता है. जाहिर है नेगेटिव पॉजिटिव चेंज होता रहता है क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट आप यूज कर रहे हो. ट्रांसमिशन बाय डिफरेंट मीडिया. दीज वेव्स ट्रैवल मोर इजिली इन सम मीडिया देन द अदर्स डिपेंडिंग ऑन द ईज एंड स्पीड विद विच द मटीरियल कैन बी डिफॉर्म्ड. ये हम पहले ही बात कर चुके हैं स्पीड की और मीडियम की. इट डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक अकोस्टिक इम्पीडेंस ऑफ द मटीरियल. अब किस चीज पे डिपेंड करे स्पीड क्यों वेरी करी, ये डिपेंड करती है एक प्रॉपर्टी होती है जिसे आप अकोस्टिक इम्पीडेंस कहते हैं. अकोस्टिक का वर्ड हमेशा आपके साउंड से रिलेटेड है. ठीक है, जहां भी अकोस्टिक वर्ड होगा इन एनी जहाँ कहीं भी यूज हो रहा हो, इंग्लिश लिटरेचर में, मेडिकल साइंसेज में, कहीं भी, एकॉस्टिक का मतलब होता है रिलेटेड टू साउंड. और इम्पीडेंस कहते हैं रेजिस्टेंस को. ठीक है, किसी भी मटेरियल की एकॉस्टिक इम्पीडेंस पे डिपेंड करती है वेलोसिटी ऑफ द साउंड. वेव्स ट्रेवल मोर इजिली विद अ हाई कैरेक्टरिस्टिक एकॉस्टिक इम्पीडेंस देन विद द लो. ये वही बात है, जिस मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक अकाउस्टिक इम्पीडेंस जो है वो हाई होता है, जैसे कि सॉलिड्स का, वहाँ पे वेव्स मोर इजीली ट्रैवल करती हैं. और जिनका लो होता है जैसे कि गैसेस का, वहाँ पे वेव्स जो हैं, साउंड वेव्स जो हैं, वो डिसिपेट हो जाती हैं. वजह क्या होती है कि अब सोचा जाए तो सॉलिड्स में साउंड वेव्स क्यों इजीली और रैपिडली ट्रैवल कर रही हैं. क्या हो गया बेटा सोफिया रहीम? ओके, अब बात यह है कि सॉलिड्स में पार्टिकल्स क्लोज क्लोज होते हैं और वहां पे क्लोज पार्टिकल्स में साउंड वेव्स जो है वो इजीली रैपिडली ट्रेवल कर जाती हैं. जब पार्टिकल्स
फार अपार्ट होते हैं जैसे कि गैसेस में, तो वहां पे क्यों साउंड वेव्स रैपिड, उनकी स्पीड कम हो जाती है? बिकॉज वहां पे वो डिसिपेट हो जाती है, साउंड एनर्जी जो है वहां पे डिसिपेट हो जाती है. मैम इम्पीडेंस का दोबारा बता दें. बेटा इम्पीडेंस कहते हैं रेजिस्टेंस को, ठीक है. एकॉस्टिक कहते हैं साउंड को. तो किसी भी मटेरियल की साउंड या एकॉस्टिक इम्पीडेंस वो होती है कि साउंड को वो कितना रेजिस्ट कर रहा है मटेरियल, ठीक है. जिस जिस मटेरियल की करेक्टरिस्टिक एकॉस्टिक इम्पीडेंस हाई होती है, वेव्स उसमें इजीली ट्रैवल करती हैं, उसमें रैपिडली ट्रैवल करती हैं, जैसे कि सॉलिड्स, ठीक है. और जिन मटेरियल्स की एकॉस्टिक इम्पीडेंस लो होती है, वेव्स उनमें रिलेटिवली स्लोअर ट्रैवल करती हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल गैसेस, दे पास इजिली थ्रू स्टील विच हैज़ हाई इम्पीडेंस देन वाटर विच हैज़ लो. रिफ्लेक्शन क्या होता है? द प्रोपोर्शन ऑफ रिफ्लेक्शन डिपेंड्स ऑन करेक्टरिस्टिक अकोस्टिक इम्पीडेंस. कितनी वेव्स ने रिफ्लेक्ट होना है ये भी आपकी अकोस्टिक इम्पीडेंस पे डिपेंड करता है कि कितनी वेव्स रिफ्लेक्ट होंगी. Those of which it is low tend to reflect the rays, and greater the difference in impedance of media, the greater the proportion of reflected rays. जितनी आपकी वही बात है कि जब low हो जाएगा तो reflect ज़्यादा होंगी rays, अगर high है impedance तो फिर less reflection है. When a wave strikes a surface at a right angle, it continues to travel in the same straight line. ठीक है, अगर साउंड वेव्स की प्रॉपर्टी है कि अगर राइट एंगल पे वो किसी सरफेस पे स्ट्राइक करती हैं तो फिर भी वो सेम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं. व्हेन पासिंग फ्रॉम अ मीडियम इन विच द वेलोसिटी इज लो लाइक एयर टू द वन इन विच इट इज हाई लाइक वाटर, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड वाइस वर्सा. लेकिन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ये जा रही होती हैं, तो ये जब एक लो मीडियम से हाई मीडियम की तरफ जाती हैं जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है लाइक वाटर, एयर से वाटर में जाएंगी तो बेंड कर जाती हैं. ये साउंड की प्रॉपर्टीज आप फिजिक्स में पहले भी पढ़ चुके हैं. ये वही अल्ट्रासाउंड की भी वही प्रॉपर्टीज हैं जो साउंड की प्रॉपर्टीज हैं. द ग्रेटर द डिफरेंस द ग्रेटर द एंगल थ्रू विच इट बेंड्स. Attenuation of ultrasound, the gradual reduction in the intensity of ultrasound beam once it has left the treatment head. जब एक दफा अपने प्रोब से या अपने ट्रांसड्यूसर से अल्ट्रासाउंड की वेव्स एमिट हो चुकी हैं, एमिटर से एमिट हो गई हैं, उसके बाद उनकी इंटेंसिटी का जो ग्रेजुअल कमी आ रही है, उसमें ग्रेजुअल रिडक्शन हो रही है, उसको कहते हैं attenuation of ultrasound waves. टू फैक्टर्स होते हैं, एक तो ये कि एब्जॉर्ब हो जाती हैं, एब्जॉर्प्शन, एक होती हैं कि स्कैटर हो जाती हैं, स्कैटर. एज द बीम ऑफ वेव्स पासेस थ्रू एनी मीडियम सम ऑफ द रेज आर एब्जॉर्ब्ड व्हिच रिड्यूसेस इट्स इंटेंसिटी. आफ्टर एब्जॉर्प्शन दे आर कन्वर्टेड इनटू हीट. इसीलिए अल्ट्रासाउंड अप्लाई करने से जो आपका मेडिकल का फिजियोथेरेपी में जो अल्ट्रासाउंड का अपरेटस अप्लाई होता है, वो अल्ट्रासाउंड अप्लाई करने से बहुत स्लाइट सी हीटिंग फील होती है, बहुत माइनर सी. वो क्यों होती है? वो इसीलिए हो रही होती है क्योंकि आप हैं तो साउंड वेव्स हैं, हीट वेव्स तो नहीं है. हीट हीट क्यों फील हो रही है हल्की फुल्की? बहुत माइनर केसेस में होती है. वो इसीलिए होती है क्योंकि आखिर साउंड वेव्स एब्जॉर्ब हुई हैं और एब्जॉर्प्शन से उनकी वो साउंड वेव्स हीट में कन्वर्ट हो गई हैं. एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, इसीलिए साउंड वेव्स हीट में जब कन्वर्ट होती है तो वो माइनर सी हीट फील होती है, माइनर सा वार्म्थ होता है. हीट तो बहुत. जी बेटा, अल्ट्रासाउंड एनर्जी तो डीप सुपरफिशियल मोडालिटी नहीं है? बेटा ये सुपरफिशियल मोडालिटी नहीं है, ये डिपेंड करता है. अगर आप फ्रीक्वेंसी उसकी 3 हर्ट्ज रख रहे हैं तो फिर ये समवॉट सुपरफिशियल है, फिर भी इतनी सुपरफिशियल नहीं है. 1 सेंटीमीटर तक तो तब भी जाएगी, 1 to 2 सेंटीमीटर. लेकिन अगर आप उसकी फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज रख रहे हो तो फिर तो ये एक डीप मोडालिटी है, ठीक है. फिर ये टिश्यूज के अंदर काफी जी काफी अंदर तक जाता है. शॉर्ट वेव डायथर्मी से भी ज्यादा डीप जाता है बेटा. शॉर्ट वेव डायथर्मी हीटिंग मोडालिटी है, अल्ट्रासाउंड हीटिंग मोडालिटी नहीं है. एक तो ये चीज क्लियर कर लें, अल्ट्रासाउंड जो है वो हीट नहीं प्रोड्यूस कर रही है, शॉर्ट वेव डायथर्मी हीट प्रोड्यूस कर रही थी, ठीक है. वो डीप हीटिंग मोडालिटी थी, इसीलिए हम इसे डीप हीटिंग तो कह ही नहीं सकते ना, क्योंकि हीट ही नहीं प्रोड्यूस कर रहा, ठीक है.
इसके जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स हैं ये हम आगे लेक्चर्स में कवर करेंगे कि हम क्यों यूज करें, क्या क्या फंक्शंस हैं, ठीक है. Occurs when normally cylindrical beam is deflected from its path by reflection at interfaces, bubbles and particles in its path. Scatter हो जाती हैं अगर कोई interface पे bubbles पे particles उसके रास्ते में आएं तो. The beam of rays is reduced to half its previous intensity the deeper it passes. It is termed as half value distance. जब depth of soft tissue reduces the ultrasound beam to half its surface intensity. कि जब सॉफ्ट टिश्यूज की में ये एंटर होती है, डीप हो जाती है और फिर अल्ट्रासाउंड की इंटेंसिटी हाफ हो जाती है, उसको आप कहते हो कि हाफ वैल्यू डिस्टेंस हो गया, ठीक है. व्हाट इज हाफ वैल्यू डिस्टेंस, कि आपने अल्ट्रासाउंड अप्लाई किया और जब वो डीप जा रहा है टिश्यूज में तो फिर उसकी इंटेंसिटी हाफ रह गई है, बाकी की एब्जॉर्ब और स्कैटर हो गई है. डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स. हायर फ्रीक्वेंसी वेव्स आर एब्जॉर्ब मोर रैपिडली देन द लोअर फ्रीक्वेंसी वेव्स. अब दो चीजें हैं, फ्रीक्वेंसी और स्पीड, ठीक है. फ्रीक्वेंसी अगर हाई है, ठीक है, तो वो एब्जॉर्ब मोर रैपिडली हो जाएंगी, मतलब वो ज्यादा तेजी से एब्जॉर्ब हो जाएंगी, लेकिन वो सुपरफिशियल रहेंगी, वो डीप नहीं जाएंगी, ठीक है. फ्रीक्वेंसी हाई है, अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो वो उनकी एब्जॉर्प्शन की स्पीड कम होगी, लेकिन वो डीपर इन द टिश्यूज जाती हैं. In the tissues of body, waves with frequency of 1,000,000 cycles per second. इसको आप 1 megahertz भी कह सकते हो. Have a half value distance of 5 centimeter, whereas the waves of 3 megahertz, उनका half cycle क्या है? उनका half जो है that is 1.5 centimeter. ठीक है? कि जो 3 megahertz है, यानी frequency इनकी ज़्यादा है. Rapidly ये travel करेंगी. Speed इनकी ज़्यादा है. लेकिन ये जो है इनका हाफ वैल्यू क्या कहाँ पे आ जाएगी? हाफ वैल्यू डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर की डेप्थ पे. और जो 1 megahertz है इनकी फ्रीक्वेंसी रिलेटिवली 3 megahertz से कम है, लेकिन हाफ वैल्यू डिस्टेंस इसका 5 सेंटीमीटर तक होता है. यही बात यहाँ पे इन्होंने लिख के बताई हुई है, ठीक है, कि द हायर द फ्रीक्वेंसी द लेस डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन एंड द मोर एब्जॉर्प्शन इन सुपरफिशियल टिश्यूज. The lower the frequency, the greater the depth of penetration into deeper tissues. ठीक है? Depth versus resolution. कि वो depth में कितनी जो low frequency है, low resolution है, longer depth है. ठीक है? ये आपने as it is याद कर लेना है. High frequency है, high resolution है और shorter depth है. Divergence of waves. Sound waves diverge from a point source and obeys the law of inverse squares. इनवर्स स्क्वायर का लॉ है, ये फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हैं. साउंड वेव्स भी उसी लॉ को फॉलो करती हैं कि इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, ये सिर्फ यहाँ पे इसीलिए मेंशन किया हुआ है क्योंकि हम साउंड वेव्स से डील कर रहे हैं और साउंड वेव्स जो है हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, और ये लॉ ऑफ इनवर्स स्क्वायर्स भी हम फिजिक्स में ही पढ़ते हैं. एक दफा आपको रिवाइज कराया हुआ है यहाँ पे. अच्छा, इस तरह ये किसी भी जगह पे आप, चाहे वो आपके काफ मसल्स हैं, आपका शोल्डर है, आपकी बैक है, आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो अल्ट्रासाउंड को. आज हमने अल्ट्रासाउंड की प्रोडक्शन और अल्ट्रासाउंड वेव्स की नेचर और प्रॉपर्टीज पे ज्यादा फोकस किया है, ठीक है. चलिए बताएं, अल्ट्रासाउंड थेरेपी इज डीप हीटिंग मोडालिटी, सुपरफिशियल हीटिंग मोडालिटी. डीप हीटिंग मोडालिटी डीप में आता ही है. Frequency that is usually used in therapeutic ultrasound is 1 megahertz, 3 megahertz, 5 megahertz. 1 and 3 both. One and both. Okay. Sound waves can travel faster through air, water, solid bone. I'm solid bone. चलें आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम बच्चों? फर्दर हम अल्ट्रासाउंड आगे पढ़ते जाएंगे तो हमें मजीद क्लियर होती जाएंगी चीजें, ठीक है मैम. जी मैम, ये जहाँ पे कंप्रेशन था तो मैम वहाँ पे वाइब्रेशन ज्यादा होती है मॉलिक्यूल्स की, मॉलिक्यूल्स जो क्लोजर हुए थे. हाँ, क्लोज हो जाते हैं बेटा मॉलिक्यूल्स, वाइब्रेशन टू एंड फ्रो तो मूव कर ही रहे हैं. टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है, ठीक है, साउंड मॉलिक्यूल्स की टू एंड फ्रो वो मूव कर ही रहे हैं. अब वो क्लोज हो गए हैं बिल्कुल,
ठीक है, तो वहां कंप्रेशन आ जाती है और उसके बाद वो वाइडली अपार्ट हो जाते हैं तो वो रिफ्रेक्शन आ जाती है. रिफ्रेक्शन. ओके मैम. और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? चलिए ठीक है, फिर हम ये लेक्चर में आपको जो है मेल कर देती हूँ. और क्लास का लिंक तो आप लोगों ने एलएमएस से ज्वाइन किया है ना? यस मैम. यस मैम. ठीक हो गया बच्चों. ठीक है, अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.